नमस्कार दोस्तों, लहसुन खाने के क्या फायदे आप जानते हो? रोजाना खाली पेट दो खाने से सर्दी खांसी के साथ साथ कैंसर, कोलेस्ट्रॉल ऐसे कई बीमारियों से आपको दूर रखेगा। बस आपको सुबह उठकर दो कच्चे लहसुन खाने होंगे। तो कच्चा लहसुन हर कोई खाना पसंद नहीं करता, इसीलिए मैं आपको लहसुन फ्राई की रेसिपी बना के दिखाने वाला हूँ, जिसे कि हर कोई खाना पसंद भी करेगा और आपके खाने का दो गुना स्वाद भी बढ़ा देगा। तो फिर चले वीडियो शुरू करें। लहसुन फ्राई बनाने के लिए हमें सबसे पहले लेना है लहसुन। तो यह मैंने लगभग 100 ग्राम लहसुन का छिलका निकाल कर लिया है। अभी एक एक लहसुन को हमें कूट कर लेना है, यानी कि हल्का सा क्रश करके लीजिए, ताकि इसके अंदर तक मसाला जाए और यह खाने में चटपटे लगे। यहाँ पर मैंने सभी लहसुन को कूट कर लिया है। ये देखिए, इस तरह हल्का सा क्रश करके लेना है। अभी इसे एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफर करेंगे। अब क्या करना है, इसमें कुछ ड्राई मसाले को ऐड करेंगे, जिसमें है आधा छोटा चम्मच अमचूर पाउडर। आप चाहे तो इसके बदले आधे नींबू का जूस भी यूज कर सकते हो, स्वादानुसार काला नमक और दो पिंच हल्दी पाउडर। ये लिया है थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा धनिया पाउडर, भुने हुए जीरे के पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। अब इन्हें लहसुन के साथ ऐड करके इसमें डालना है एक चम्मच चावल का आटा और एक चम्मच बेसन डालकर पहले हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। दोस्तों, आप चाहे तो इसमें आप आपके पसंद के अनुसार कुछ मसाले घटा या बढ़ा सकते हो। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मिलाते जाएंगे, ताकि लहसुन के ऊपर मसाला अच्छे से कोट हो जाए। ये देखिए, इस तरह लहसुन को मसाले से कोट करके हमें इसे डीपली फ्राई करना है। इसे फ्राई करने के लिए पहले आप तेल को मीडियम गर्म करके एक एक कली को तेल में छोड़िए और लहसुन को गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करिए। दोस्तों, आप इसे ज़रूर बनाएं और बनाने के बाद लंच डिनर में इसे साइड डिश की तरह खाएंगे तो आपके खाने का स्वाद भी बढ़ाएगा और हेल्दी भी होगा। तो इसे फ्राई करने के बाद हवा बंद कंटेनर में स्टोर करके रखेंगे तो ये एक महीने तक आराम से चलेगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि लहसुन एकदम बढ़िया फ्राई हुआ है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।